अब की बार जय श्री राम, डॉक्टर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जिंदाबाद। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री व उधमपुर डोडा कठुआ लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ जिले के आने वाले सालों में जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख क्षेत्र होने का दावा करते हुए कहा है कि पिछले 10 सालों में कठुआ एक छोटे से कस्बे से विकास का केंद्र बनकर उभरा है और आने वाले सालों में यहाँ की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। रविवार को कठुआ के विभिन्न वार्डों में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज जो विपक्षी ये कहते हैं कि 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, वही लोग इन 10 सालों में शुरू हुई परियोजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उनके बच्चे मोदी सरकार की ओर से सेंट्रल फंड से बनाए गए मेडिकल कॉलेजों में जा रहे हैं, उनके बच्चे बिरला पार्क और ड्रीमलैंड पार्क जा रहे हैं जिनका 2014 के बाद सौंदर्यकरण हुआ, उनके बच्चे आज इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। आज ये लोग कीड़िया गंडियाल ब्रिज का फायदा उठा रहे हैं और कहते हैं कि विकास नहीं हुआ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सच्चाई ये है कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और ना ही यूपीए 2004 से 2014 तक कोई विकास कार्य करवा पाई जिसका वह जिक्र कर पाए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कठुआ के लिए कुछ नहीं किया और दूसरी तरफ मोदी सरकार ने 10 सालों में यहां कई केंद्र प्रायोजित योजनाएं शुरू करके जिला का कार्यकल्प करते हुए इसे विकास का केंद्र बनाया। कठुआ पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़ता है, इसीलिए ये आने वाले सालों में जम्मू कश्मीर का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा। सरकार से चुनाव अभियान आपने देखा है, अगर नहीं देखा तो उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं, हमारे विपक्ष में भी कोई नहीं है, लेकिन ये जनमानस का उत्साह है कि मोदी जी का नाम लेते ही कठुआ के विकास की बात करते ही हमारे राजीव जसरोटिया, गोपाल जी, इस तरह के हमारे जो नेताओं की टोली है इसके कामकाज की जिक्र करते ही इतनी बड़ी हजूम उमड़ करके आती है और ये नारी शक्ति भारी संख्या में ये प्रतीक है उस श्रेय का, उस श्रद्धा का जो इनको मोदी जी के प्रति है, उस विश्वास का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति और स्वीकृति का जिसका विकास दो दो किलोमीटर में स्मारक के रूप में आपको कठुआ दिखाई देगा। और मैं चाहूंगा कि आप भी लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि 2014 से पहले का क्या दृश्य था। एक नई पीढ़ी सामने उभर करके आई है, फर्स्ट टाइम वोटर्स, ये मेडिकल कॉलेज, ये केंद्रीय राशि से इंजीनियरिंग कॉलेज, ये डेढ़ पंचायतों के लिए 150 करोड़ का कीड़िया गड़ियाल का पुल, ये उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, ये सीड प्रोसेसिंग प्लांट, ये पासपोर्ट ऑफिस, ये सड़कों का जाल, ये जुथाड़ा का पुल, ये पहला होम्योपैथी कॉलेज, ये सब 2014 के बाद। तो ये प्रश्न ये है कि ये पहले भी तो हो सकता था, लेकिन जो शाहपुर, बल्कि पहले ये हुआ जैसे राजीव जी ने कहा कि पहले ये हुआ कि जो काम चल रहे थे वो भी रोक दिए गए अपने कश्मीर केंद्रीय इलाकाओं को रिझाने के लिए। खुश रखें, मुझे यकीन है कभी कोई विश्लेषक, कोई इतिहासकार इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेगा कि 30 साल हमने शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट को रोक करके ना केवल कठुआ और सांबा के साथ अन्याय किया, उसको सिंचाई से वंचित किया, बल्कि एक राष्ट्रीय हित को काम को भी होने से रोका। हमारे हिस्से का इंडस वाटर का जो पानी था रावी का, वो सारा का सारा पाकिस्तान जाता रहा। इस सब की भरपाई मोदी जी के आने में आज हुई, क्योंकि मोदी जी का पूरा आशीर्वाद रहा। उन्होंने कहा कि हमारा ये काम रहा कि हमने उन तक बात पहुंचाई और उन्होंने उसकी स्वीकृति की, और इसलिए आज आम जनमानस ये कह रहा है और हमारे कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा और सक्रिय हो जाइए, और एक्टिव हो जाइए, क्योंकि हमने मोदी जी को 400 पार कराना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी, मैं जितने भी लोग पार कर रहे हैं, अभी मंच पर